जय श्री राम। जय बालाजी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जय बालाजी आर एस पटेल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है राजेश श्याम पटेल। मैं प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिशियन और SWR सबकी फिटिंग करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आइए दोस्तों, हम बताते हैं आपको सरफेक्स बॉक्स के बारे में और उसमें जो एंड कैप आया है उसकी जानकारी देता हूँ कि ये एंड कैप किस रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा और हमारा काम आपको कैसा लगा। ये है दोस्तों हमारा सरफेक्स बॉक्स। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सरफेक्स बॉक्स है। अब देखिए, ये सरफेक्स बॉक्स के लिए जैसे बहुत सी प्रॉब्लमें आती हैं। क्या होता है कि हम इसमें, ये देखिए दोस्तों, अब जैसे कि हमने इसमें ये बैंड लगाया, ठीक है, ये हमारा एक पाइप उधर से आया है और ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। ये देखिए बैंड लगाया है, ये बैंड देख सकते हैं आप, ये जा रहा है और ये हमारा सरफेस बॉक्स, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, कई बार जैसे कि नीचे यहाँ मटेरियल भरा जाता है, हमें फिर बाद में खोदना पड़ता है, जिससे बहुत तकलीफ़ होती है। ये देख सकते हैं आप, अब ये पाइप हमने इसमें ऐसा जोड़ दिया, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब ये कहीं लाइन और दूसरी जगह ले जाना है हमें, ये हमने ऐसा जोड़ दिया। अब ये आ गया हमारा यहाँ, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे लाइन उधर से आई और हम इसमें कुछ लगाते नहीं हैं इस ऊपर वाले हिस्से में, उसके लिए ये एंड कैप आया है। ये एंड कैप देख सकते हैं आप, ये एंड कैप आया है। जैसे कि प्लास्टर करते हैं तो इसमें मसाला भरा जाता है यहाँ पे बैंड पे, वहाँ से गिरते गिरते यहाँ पे जाम हो जाता है, तो हमें बाद में प्लास्टर खोदना पड़ता है, फिर बैंड तोड़ के मसाला निकालना पड़ता है। तो ये जो हमें दीवार ना तोड़े, हम प्लास्टर ना तोड़े और डायरेक्ट इस एंड कैप का यूज़ करें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, हमने ये एंड कैप लगा दिया, अब यहाँ से ये पैक हो गया, ठीक है। अब ये पैक हो गया तो यहाँ से मसाला आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है दोस्तों, ये मसाला आएगा ही नहीं और यहाँ पे ये पैक हो गया। एंड कैप लगा दी हमने, जो कि नॉर्मली है, इसको हम स्लैब में भी यूज़ कर सकते हैं, स्लैब में जैसे डीप बॉक्स में भी लगा सकते हैं ये एंड कैप। अब ये नॉर्मली अभी निकल जा रही है, टेप लगा के थोड़ा टाइट करके लगा दीजिएगा तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने लगा दिया इसमें ऐसे, देखें आप, ये हमने निकाला और ये लगा दिया। अब यहाँ पे प्लास्टर करेंगे तो यहाँ मसाला बैंड में नहीं गिरेगा, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी। जय बालाजी। ये है दोस्तों हमारा MC बॉक्स, देख सकते हैं आप, ये हमारा MC बॉक्स है और ये हमारा 1200 स्क्वायर फीट का घर है, देख सकते हैं। ये हमने MC बॉक्स दो पाइप लाए हैं, एक सर्किट इधर से उठ के आएगा, इधर रूम से मिला दिए हमने, इधर से और पूरा देख सकते हैं आप, इधर से मिला दिए हैं और ये हमने इधर का 12 का बोर्ड और ये हमारा मोटर के लिए कनेक्शन, जो कि वहाँ से मिलता हुआ इस मोटर में चला जाएगा, ये हमारा मोटर कनेक्शन। और ये हमारी अंदर की सर्किट मिली है, ये हमारी बाथरूम में चली जाएगी, जो कि उठ के उधर चली जाएगी। ये हमने पोर्च की लाइट, देख सकते हैं आप, ये पोर्च की लाइट और ये हमारा मीटर का कनेक्शन, जो कि डबल स्टोरी का मकान बन रहा है, यहीं की यहीं उठ के ऊपर वाली MCB के लिए चला जाएगा, देख सकते हैं। डिब्बी ये दोस्तों पूरी हमें मिलाना चाहिए आगे पीछे, जैसे कि ये डिब्बी हमने उधर से उधर मिलाई है, ये ड्रॉप अंदर से अंदर से बाहर आया है और ये डब्बियाँ आगे पीछे मिली हुई है, ठीक है। ये डब्बियाँ भी आगे पीछे मिली हुई है, ये डब्बी भी आगे पीछे मिली हुई है।
हमें सभी डब्बियाँ आगे पीछे मिलानी चाहिए जिससे हमारा सर्किट आसानी से चला जाए, लाइन क्रॉस हो जाए। ये हमने इधर जो बैंड लगाया है ये देख सकते हैं आप, ये जो बैंड है हमारा ये वाला हमने डोर बेल के लिए लगाया है, जो कि यहाँ पे अभी वॉल उठनी है जो कि डोर बेल कनेक्शन में चले जाएगा। ये हमारा हॉल है, ये देख सकते हैं ये हमारा हॉल है, वो हमने एलईडी के लिए लगाया हुआ है जिसमें एलसीडी लगेगी, और उसी में पीछे से दो मॉड्यूलर का बोर्ड दिख रहा है आपको, वहीं से पीछे से झिरी लग के जाएगी। अभी क्योंकि काम चालू है इसलिए हमने उधर लगाया नहीं है। इसमें हमने आठ डब्बियाँ डाली हैं, डिप बॉक्स बोलते हैं जिसे। इसमें फैन बॉक्स दो हैं, एक आपको देख सकते हैं वो दिख रहा है फैन बॉक्स, एक डिप बॉक्स डाला है और एक फैन बॉक्स ये है। डब्बियाँ हमने पूरे कोने में डाली है, ये एक बोर्ड हमने इधर लगाया हुआ है और वो उधर से इधर मिल गया है, और ये पूरे हमने मिला दिए हैं ड्रॉप। एक बोर्ड हमने इधर लगाया है, ये देख सकते हैं 6 मॉड्यूलर का है ये। एक 12 मॉड्यूलर का बोर्ड हमने ये लगाया है जिसमें फॉल सीलिंग हो भविष्य में उसके हिसाब से। 16 मॉड्यूलर है ये हमारा, 18 मॉड्यूलर का बोर्ड है, इधर से हमने पूरा मिला दिया है देख सकते हैं आप। और ये हमारा टीवी का, ये देख सकते हैं आप, ये हमने टीवी के लिए खोला है। अभी हम इसके पीछे पाइप लगा के यहाँ से डिस्क के वायर के लिए डाल देंगे। एक 2 मॉड्यूलर का बोर्ड इधर साइड में लगना है जो कि जीने के लिए काम आ जाएगा, ये देख सकते हैं। ये हमारा अभी काम चालू है। एक ये हमारा बाथरूम है जिसमें हमने 2 मॉड्यूलर बोर्ड यहाँ लगाया हुआ है, ये लाइन देख सकते हैं आप पूरी मिली हुई है, इन्हें मिला के रखना चाहिए। 2 पाइप इसलिए डाले हैं ताकि पूरे सर्किट आसानी से चले जाए। ये देखिए पीछे की डब्बी वहाँ से भी मिली हुई है, ये लाइन हमारी ऐसी चली गई, फिर बैंड लगाया, फिर ये डब्बी पीछे गई है, और एक डब्बी है जो कि किचन साइड में मिली हुई है। एक बोल्ट हमें यहाँ देना है इस कॉलम पे, जो कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जो हमें अभी देना है। एक 12 मॉड्यूलर का बोल्ट हमने इस तरफ लगाया है जो कि हमारा इस डब्बी से पीछे से दीवार के पीछे से मिलके ऐसा आया हुआ है ये बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दोस्तों कैसा लगा। ये देख सकते हैं 6 मॉड्यूलर बोर्ड एक बेड के पास दिया हुआ है, एक ये देख सकते हैं एसी के लिए ये दिया हुआ है पॉइंट हमने, और यहाँ से ये डब्बी जो कि उस तरफ गई हुई है पीछे से हमने मिला दिए। एक ड्रॉप बैंड ये उतारा है और एक 2 मॉड्यूलर बोर्ड ये, और इधर से लाइन मिली हुई है, ये देखिए ये मिला हुआ है। ये हमने यहाँ पे 3 मॉड्यूलर का दिया हुआ है जो कि हमारा फ्रिज के लिए काम आ सकता है या इन्वर्टर के लिए जो भी आ जाए। एक ये हमने 4 मॉड्यूलर का दिया हुआ है क्योंकि किचन यहाँ डिसाइड नहीं है। एक बोल्ट हमने ये दिया हुआ है, यहाँ किचन बनना है। एक बोल्ट हमने आर ओ के लिए ये दिया हुआ है, और यहाँ से हमने लाइन पीछे मिलाई हुई है। और ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये लाइन हमने ऐसे मिलाई है पूरी ऐसे किए, और 6 मॉड्यूलर बोर्ड हमने यहाँ लगाया है, 2 मॉड्यूलर बोर्ड यहाँ लगाया हुआ है, और ये डब्बियाँ मिलाई हुई है। बस दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि डब्बियाँ आगे पीछे बिजली के लिए मिलती रहे। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बालाजी।